शुक्रवार संध्या 4:45 एक ऑफिस रे निया लागिथिबा नै पुलिस स्टेशन को खबर आसिला। तुरंत घटनास्थल रे पहुंचीथिला पुलिस। देखिला मात्र के जळी उठिछि तीनी महला विशिष्ट व्यवसाय प्रतिष्ठान। राजधानी दिल्ली मुंडका मेट्रो स्टेशन निकट बिल्डिंग रे निया लागिछि। प्रथम महला रे निया लागिबा परे चाहु चाहु या व्यापी जायथिला। पूरा कोठा निया कब्जा को आसी जायथिला। किछि लोक जीवन बंचेबा पई कोठारु डेई पडिथिले। निआर प्रकोप एते थिला जे ताकु आयत करिबाकु नयांत होई पडिथिले अग्निशम कर्मचारी। साधारणत एही कोठारे कंपनी गुडीक पई रूम उपलब्ध करा जाय। कोठार प्रथम महला रे प्रथमे निया लागिथिला। भयाभयता एते थिला जे देखु देखु निया अन्य कोठाकु व्यापी जायथिला। हमने जब आग लगी थी तो हमारा एक और भाई था, वो यहाँ से एग्जाम देके जा रहा था। उन्होंने खबर करी कि इसमें भाभी भी थी, तो हमने कहा हाँ भाभी भी थी। लेकिन अब जब यहाँ आए तो ये पुलिस वाले से पूछे और ये फायर ब्रिगेड वाले से पूछे, उन्होंने कहा कि संजय गांधी हमने भेज दिया है। लेकिन संजय गांधी गए तो वहाँ मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है। फिर अम्बेडकर गए, सारे हॉस्पिटल यहाँ के सरकारी गए, वहाँ सब मना कर रहे हैं, किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे। पहली बात तो उधर काफी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। हाँ, और अब लेके जा रहे थे यहाँ से एम्बुलेंस में। अब एम्बुलेंस वालों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि संजय गांधी में लेके जा रहे हैं, अम्बेडकर में ले गए हैं। और ये यहाँ पे एक सोनिया हॉस्पिटल है उसमें, और एक और है सिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे सिटी है कोई और है उसमें। तो वहाँ पे पता किया तो वहाँ एक ही बंदा, कोई एक बंदा था अनिल नाम से, वही है, और कोई है भी नहीं वहाँ। सीसीटीवी का गोडाउन था और उसी का ऑफिस था। फायर फाइटिंग तो पूरी हो चुकी है 2 घंटे से, उसके बाद से हम सर्च ही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने बताया कि शायद काफी लोग थे अंदर, तो अभी ज्यादा जो इम्फेसिस है वो सर्चिंग के। अनेक मृतदेह सह शताधिक आहत को बिल्डिंग भितरु बाहर करा जायछि। आहत को निकटस्थ डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। अनेकंक अवस्था गुरुतर थिबा जणा पडिछि। मृतकंक संख्या बढ़ी पारे बोली आशंका करा जाउछि। अग्निशम कर्मचारी प्राय 300-350 जन को बाहर करिछन्ति। 24 दमकल बाहिनी उद्धार काम रे लागिथिले। प्रबल धुआं कारणरु उद्धार कार्य बाधाप्राप्त होइथिला। अन्यपटे अग्निकाण्डर कारण स्पष्ट जणा पडि नाही। यहाँ पे आग लगी है एक बिल्डिंग में, और वहाँ पे फिर हमारी पुलिस फोर्स आई और फायर ब्रिगेड आई, और यहाँ पे हमने फिर रेस्क्यू मिशन किया। यहाँ पे लोग फंसे हुए थे और फाइनली 27 जो है अनआइडेंटिफाइड डेथ हुई है इसमें, और अबाउट 12 लोग इंजर्ड हैं, और कोई 30 तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, प्लस हमारी पुलिस फोर्स ने आगे शीशा तोड़ा और 50-55 लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ लोग इंजर्ड भी थे, उनको भी रेस्क्यू किया, वो सब हॉस्पिटल में है। वो काफ़ी ऐसी कंडीशन में है कि उनको शिनाख्त करना मुश्किल है, और इसमें हम प्रॉपर फॉरेंसिक टीम इसमें हेल्प करेगी हमारी, और जो मिसिंग लोग हैं उनके हिसाब से हम उसको मैच कराएंगे, और जिस तरीके से शिनाख्त हो सके वो कोशिश करेंगे कि शिनाख्त हो। अभी इसमें FIR हुई है, इसमें आपको मैं डिटेल बाद में बता दूंगा पूरे सेक्शंस के हिसाब से, और कंपनी ओनर्स को हमने इसमें डिटेन किया है। अभी आज बहुत ही दुखद ये घटना हुई है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास ये 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी, और बहुत ही भयानक आग थी। 4:40 पर फायर ब्रिगेड को कॉल मिली। 5 बजे तक काफ़ी सारी हमारी गाड़ियां पहुंच गई थी। कुल मिलाकर 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसमें लगाई गई थी, एक्शन में लगाई गई थी, जिनके फायर को बुझाया, और 27 लोग की डेथ हुई है, जिसमें सारे के सारे लोग सेकंड फ्लोर से बॉडीज मिली। तो ऐसा लगता है कि सेकंड फ्लोर पे कुछ या तो ज़्यादा लोग थे या कुछ भी कारण था। 8 लोग घायल भी हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया। प्रधानमंत्री जातीय रिलीफ पांठिरु मृतकों संपर्क को 2 लाख और आहतों पर 50,000 टंकार सहायता राशि घोषणा कर किसी आहतों अवस्था संकटापन्न थिबा बेले मृत्यु संख्या बढ़ी पारे बोली आशंका करा जाउछि। अनपडे बिल्डिंग रो मालिकों को अटक रखी पुलिस पचराउचरा करुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।